नगर निगम का बुलडोजर गर्जा, आक्रोशित क्षेत्रीय लोगों ने किया हंगामा, नारेबाजी। जाजमऊ तिवारीपुर के जखाई बाबा चौराहे नलकूप के बाहर फुटपाथ पर 13 दुकान, 2 टीन सेट व 1 मकान पर नगर निगम का बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं आक्रोशित क्षेत्रीय लोगों ने जमकर हंगामा और भाजपा सरकार योगी मोदी व क्षेत्रीय पार्षद कैलाश पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। करीब 20 मिनट क्षेत्रीय लोगों ने हंगामा काटा। मौके पर मौजूद पुलिस बल व नगर निगम बस्ते ने सूझबूझ से क्षेत्रीय जनता को शांत कराया। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वीआईपी स्थानों में नगर निगम अतिक्रमण अभियान नहीं चला रहा है। जहां गरीबों की रोजी रोटी चल रहा है, वहां अभियान चलाया जा रहा है। इस सरकार में गरीबों का हित नहीं हो रहा, सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर महापौर जी का जो कार्यक्रम होता है उसमें शिकायत की गई थी पार्षद के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा। ये अतिक्रमण चिन्हित किया गया था और आज रेत नियत करके ये अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। तो अतिक्रमण जो अभियान चलाया गया है उसमें कितने कब्जे मुक्त कराए गए? 13 गुफ्तियाँ हटाई गई हैं, तीन सेट वाले मकान हटाए गए हैं और एक ट्रांसफार्मर के पास अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाया गया है। जैसा कि यहाँ पे अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, अभी आप लोग हंगामा कर रहे थे जी, किस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं? यहाँ गरीब आदमी 2500 साल से गुमटी लगाए था और आज गरीबों की गुमटी गिराई गई, चिन्हित दुकानें गिराई गई। यहाँ के अधिकारी लोग पैसा लेकर के चिन्हित दुकानें गिराते हैं, गरीब आदमी को जीने नहीं देते हैं, तो ये गरीब कैसे हमारा आगे बढ़ेगा और कैसे पालन पोषण अपने पेट पर, ये जैसा कि बताइए। नगर निगम ने जो अतिक्रमण अभियान चलाया है जी, क्या आप लोगों को पहले चेतावनी दिया था? नहीं दिया। 10 मिनट पहले केवल एक आदमी आया, उसने बोला कि ये दुकानें खाली करो। 10 मिनट में ये गरीब हमारा आदमी कोई दुकान खाली कर लेगा? नहीं कर पाएगा। जैसा कि गुमटियों में सामान नहीं हट पाया, लाखों का नुकसान हो गया, लाखों का। हर गुमटी में 20,000 से 50,000 तक का सामान था और लाखों का नुकसान हुआ और जनता भी बहुत परेशान हो गई।